दोस्तों फूलस्केप का नाम आपने सुना होगा। जो कागज आता है 17 इंच by 13.5 इंच का जो कागज होता है उसे हम फूलस्केप कहते हैं। मुझे एक फूलस्केप दीजिए, मुझे दो फूलस्केप दीजिए, ऐसा आपने कई बार बोला होगा जब आप पढ़ते होंगे या फिर कोई भी स्टेशनरी लेने जाएंगे, कुछ भी काम करेंगे, फूलस्केप की जरूरत हमें डेली लाइफ में होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश वर्ड फूलस्केप बना कैसे? आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसकी दास्तान, काफी रसप्रद दास्तान है। मैं हमेशा की तरह आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता हूं जहां पे आपको कुछ नया मिलता है क्योंकि YouTube पर पहली बार होता है। और हाँ, इससे पहले आपने कभी भी इसको देखा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, पहचाना नहीं होगा, तो चलिए आज की कहानी को करते हैं स्टार्ट। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मायसेल्फ राजबस गोस्वामी एंड यू आर वॉचिंग इट्यूशन गुजराती। दोस्तों फूलस्केप की दास्तान को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पे ब्रिटेन में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था चार्ल्स द फर्स्ट, यानी कि चार्ल्स प्रथम। वो काफी आपखुद था, यानी कि अपनी मनमानी किया करता था, वो लोगों को लूटता था, बहुत ही ज्यादा टैक्सेशन, गब्बर सिंह टैक्स डाले हुए थे उसने, और वो टैक्सेशन की वजह से इंग्लैंड की जनता बहुत ही परेशान थी। उस राजा के खिलाफ काफी बड़ा विद्रोह शुरू हो गया। राजा ने क्या किया कि हर एक छोटी बड़ी चीज के ऊपर अपना वॉटर मार्क डाल देता था, यहाँ तक कि उसने कागज को भी नहीं छोड़ा। कागज के ऊपर उसने बताया कि जो कोई भी कागज बनाएगा इंग्लैंड में उसके ऊपर हमारा वॉटर मार्क होना ही चाहिए। और वॉटर मार्क वाला कागज बनाने के लिए जो वॉटर मार्क था उसके लिए वो तगड़ी फी वसूल करता था, यानी कि बहुत ज्यादा पैसे लेता था वॉटर मार्क का लाइसेंस लेने के लिए। तो जनता बहुत ही परेशान थी, लोग उससे काफी नाखुश थे, विद्रोह खुले आम हो रहा था। तभी दोस्तों क्या हुआ पता है आपको? तभी दोस्तों हुआ ये कि वहां पे उसी की संसद का एक सभ्य था ओलिवर क्रॉमवेल, जिसका नाम था ओलिवर क्रॉमवेल, ने यह विद्रोह का नेतृत्व किया। और इस ओलिवर ने इसके खिलाफ जाकर कागज का एक नया फॉर्मेट ले आया, जहाँ पे जो ऑर्डिनरी कागज बनाते थे उसपे राजा का वॉटरमार्क कंपलसरी था, उसका जो नाप था वो भी एक फिक्स था, लेकिन ओलिवर ने कमाल कर दिया। दोस्तों ओलिवर ने पूरे इतिहास में एक नए शब्द को ही जन्म नहीं दिया बल्कि पूरी इतिहास की स्टेशनरी की तारीख भी बदल दी। ओलिवर ने 17 by 13.5 इंच का एक कागज निकाला और दोस्तों ओलिवर ने उस पर राजा का मजाक उड़ाने के लिए एक वॉटर मार्क लिया, जो वॉटर मार्क था एक जोकर का चित्र, यानी कि जोकर की लंबी टोपी थी उसमें, और उसमें जोकर का बैकग्राउंड में जैसे वॉटर मार्क होता है वैसा वॉटर मार्क निकालकर ऐसे कागज का उत्पादन शुरू कर दिया इंग्लैंड में, खुले आम राजा का विद्रोह कर दिया। तो लोग तो ओलिवर का जो वॉटर मार्क वाला, जो जोकर का वॉटर मार्क वाला कागज था उसको ज्यादा पसंद करने लगे, क्योंकि उसके लिए उसको कोई पैसे ज्यादा पे करने नहीं पड़ रहे थे, बस यहाँ से लोगों को पसंद आने लगा। लेकिन अब बात हुई कि इस नए कागज को बोले तो बोले क्या, तो दोस्तों इसपे जोकर का चित्र लगा हुआ था और जोकर की लंबी टोपी जो है वो काफी लोगों का ध्यान आकर्षित कर रही थी, और जोकर को लोग फूल बोलते हैं और उसकी जो टोपी होती है अंग्रेजी में कैप बोलते हैं, वहां से उसका नाम हुआ फूल्स कैप, यानी कि जोकर की टोपी फूल्स कैप। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस था फूल्स कैप का, लेकिन आगे जाके दोस्तों आपको पता है कि उसका वो अपोस्ट्रोफी काफी लोगों ने निकाल दिया है, उसे जनरली बोलता है फूल्स कैप, यानी कि जो स्केप था उसके आगे लोगों ने, कई लोगों ने एस लगा दिया, फूल्स कैप ऐसे बोल देते। आज दोस्तों वो जो स्पेलिंग था वो जॉइंट हो गया FOOLSCAP, यानी कि फूल्स कैप, लेकिन असल में उसका मीनिंग होता है जोकर की टोपी, यानी कि फूल्स कैप। कैसी लगी दोस्तों आज की आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और अपने जो ओपिनियन है आपको जो वो कमेंट में जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए, मुझे काफी अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड बाय बाय। अगले वीडियो में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग वर्डोलॉजी के साथ, यानी कि हमारे वर्ड प्रोसेसर के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।